आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूं। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन आपके फरवरी के लास्ट वीक में 25th, 26th, 27th और 28th और मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इस साल इंतजार करते रह गए कि स्कूल और कोचिंग खुलेंगे, रेगुलर क्लासेज होंगे तो हम अपना प्रिपरेशन करेंगे, और इसी वेटिंग में धीरे धीरे करके हमारा एक मेजर टाइम निकल गया। नाउ क्वेश्चन ये है, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन? इफ नॉट, डोंट वरी, नाउ वी हैव अ प्रोग्राम फॉर यू स्टूडेंट्स। हियर इज द क्रैश कोर्स और बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। हर साल स्टूडेंट्स दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग क्रैश कोर्स का एक बैच स्टार्ट करते हैं जो लगभग 10 से 12 फरवरी तक चलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 100% सेटिस्फाइड हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं टू फेस द बोर्ड एग्जामिनेशंस प्रॉपरली। इस बार चूंकि रेगुलर क्लासेज नहीं हो पाया और हम लोग के पास अभी समय था, तो हमने इस बार प्लान किया कि चलो थोड़ा अर्ली कर लेते हैं ताकि अभी तक जो बच्चे वेटिंग में हैं, जो इंतजार कर रहे थे, उनका फ्रस्ट्रेशन अब धीरे धीरे, चूंकि प्री बोर्ड और बोर्ड का टाइम नजदीक आते जा रहा है, धीरे धीरे उनके मन के अंदर एक डर जैसा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए हमने प्लान किया है कि नवंबर फर्स्ट वीक से ही इस बार हम लोग क्रैश कोर्स का बैच शुरू कर देंगे। एक महीने का लगभग हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, उसका हम लोग यूज करेंगे फ्रीक्वेंट टेस्ट्स के लिए और अलग अलग तरीके का, जो भी हमारा तरीका होगा प्रिपरेशन का, उसको करने के लिए। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों के मन में क्रैश कोर्स को लेकर के एक डिफरेंट सोच होता है, और वो क्या है, क्रैश कोर्स मीन्स कम समय में जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर देना। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारा एके साइंस ट्यूटोरियल का शुरू से ये पैटर्न रहा है कि हम लोग क्रैश कोर्स में भी यदि करते हैं तो हम लोग जैसे रेगुलर बैचेज होते हैं उसी तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर केवल इतना है कि रेगुलर बैचेज जो होता है वो अल्टरनेट डेज में होता है, और क्रैश कोर्स जब हम लोग करते हैं तो हम लोग डेली क्लासेज लेते हैं और उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन 100% हो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट से लेकर के अंत तक। यानी स्टूडेंट्स, आप यदि क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू विल बी रेडी, यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट फॉर द बोर्ड रिजल्ट, फॉर द प्रॉपर नॉलेज। और एक बार ज्वाइन करने के बाद आप किसी तरीके की चिंता, जो भी मन में डाउट्स हो, आप सबको अलग कर दो और स्मूथली आप प्रिपरेशन में भिड़ जाओ। अब हम आपको अपने क्रैश कोर्स, यानी हमारे इंस्टीट्यूट का जो क्रैश कोर्स बैचेज होता है, उसका फीचर्स क्या क्या है, पहले हम वो आपको डिस्कस करते हैं, तो फिर आगे का पॉइंट्स क्या क्या कैसे करना है वो सारा चीज बताएंगे। फीचर्स, सबसे पहला चीज जो हम लोग इसमें यूज करते हैं वो है कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस मींस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, फर्स्ट टॉपिक से लेकर के लास्ट टॉपिक तक, बिना किसी पॉइंट को कट किए हुए एक्स्ट्रा इलेबोरेटेड टॉपिक्स, ताकि आपका प्रिपरेशन बोर्ड के लिए हो, साथ में आपका एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है, वो भी आपका 100% हो। नेक्स्ट, while studying these topics, we also take care of technical questions. Technical questions. Technical questions का मतलब ये होता है students, कि normally हम लोग जब study करते रहते हैं तो simply syllabus को revise करते हैं, question answer जो हमारे पास है exercises में, test papers में, हम लोग उसको solve करते रहते हैं।
लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट इज द डिमांड, इस पर कभी हम लोग ध्यान देते ही नहीं है। जैसे एक सिंपल सा हम एक एग्जांपल बताते हैं। बायोलॉजी में एक बहुत ही जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है नेम द फॉलोइंग का, सेक्शन ए का, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन बाय रूट का। क्वेश्चन होता है नेम द फॉलोइंग का, द कंडीशन ऑफ अ सेल व्हिच इज फुली चार्ज्ड विथ वाटर। स्टूडेंट्स मैक्सिमम लोग सारी जानकारी होते हुए भी आंसर में लिखते हैं टर्जिड, ये गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। जैसे ही क्वेश्चन में आया टर्ज कंडीशन ऑफ द सेल, द आंसर विल बी टर्जिडिटी। मैक्सिमम लोग इसको कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में पूछने का तरीका क्या है, यदि क्वेश्चन पूछ दे अ सेल विच इज फुली चार्ज विथ वाटर, द स्टेट ऑफ द सेल विच इज फुली चार्ज विथ वाटर, तो आप लिखोगे टर्जिड, लेकिन जैसे ही कंडीशन वर्ड आया हो गया टर्जिडिटी। ओवरऑल हमारा कहने का मतलब कि पढ़ाने के दौरान हम इस तरीके के क्वेश्चंस को लगातार एराइज करते रहते हैं, स्टूडेंट्स को बतलाते रहते हैं कि आपको आंसर कैसे करना है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू मींस स्टूडेंट्स जब आप तैयारी करते हो तो बहुत बार मैथ्स में हो या साइंस में हो फिजिक्स में हो आप सॉल्व करते हो लिखते हो तो बहुत सारा जगह पर आप सोचते हो कि हमने तो सब कुछ सही कर दिया और आपका मार्क्स कट जाता है, मार्क्स नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जब करते हैं तो हम लोग बतलाते हैं स्टूडेंट्स को, देखो यहां पर यह गलती होती है, आप इसको नहीं करोगे, इसके जगह पर यह करोगे तो आपको परफेक्ट मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग पढ़ाने के दौरान इस बात पर भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टेस्ट्स। स्टूडेंट्स आप सिंपली जब खुद से रिवीजन करते रहते हो स्टडी करते रहते हो तो आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन 100% कंप्लीट होते जा रहा है, लेकिन बोलते भी हो मेरा रिवीजन हो गया मेरी तैयारी हो गई, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट वगैरह देते हो तो आपको मार्क्स कम आ जाता है। इसका मतलब नॉलेज हमारे पास है लेकिन क्वेश्चन आंसर क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इस पर हम लोग कभी फोकस नहीं करते, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये गलती आपको जब फ्रीक्वेंट टेस्ट्स होती है तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो हम लोग फ्रीक्वेंट टेस्ट्स भी करते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसमें आता है, दैट इज टेस्ट सीरीज। At the end of completion of syllabus, यानी लगभग 20 जनवरी के आसपास हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं जो 10 या 12 फरवरी तक चलता है। हम लोग एक एक दिन का गैपिंग करके या टाइम शेड्यूल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उसमें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स और कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं टेस्ट सीरीज के लिए क्रैश कोर्स में भी। तो हम लोग इसका 2 राउंड कंप्लीट सिलेबस का, जैसे आप बोर्ड पैटर्न पर टेस्ट देते हो एग्जाम देते हो, हम लोग एग्जाम लेते हैं। और फर्स्ट राउंड का जब टेस्ट लेते हैं टेस्ट सीरीज करते हैं तो उसमें जो गलतियां हुई है स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के बाद वो हम लोग हाईलाइट करते हैं, स्टूडेंट्स को बतलाते हैं, और फिर जब सेकेंड राउंड टेस्ट लेते हैं तो बच्चे वो गलती नहीं करते हैं, उनको मार्क्स अच्छा जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाती है, और तब उसके बाद स्टूडेंट्स जब को जब हम लोग रिलीज कर देते हैं, नाउ दे आर 100% सेटिस्फाइड प्रिपेयर्ड, और जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन देख करके ही उनको लगता है कि अरे सर तो ये सारा चीज बतला चुके हैं। और चूंकि टेस्ट सीरीज जब हम लोग लेते हैं हम लोग रूटीन से रिटेन प्रैक्टिस करते हैं तो उनका स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा हुआ रहता है, तो बोर्ड एग्जाम्स देने के समय उनको किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है, दे फील इट लाइटली। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग इस दौरान चूंकि हम लोगों के पास वन मंथ एक्स्ट्रा हमने ले लिया है इस बार, इसलिए हम लोग वीकली डाउट सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी जो भी रेगुलर क्लासेज में भी आप पूछते हो ऐसे भी उसके बाद भी हम लोग यदि रखते हैं एक डाउट सेशन
तो कलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपका होगा स्टडी के दौरान, वो सब भी आप सारा क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये हमारा जनरल पॉइंट्स हो गया। एक जो लास्ट और इंपॉर्टेंट है वो हम लोग स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। स्टडी मटेरियल्स, हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल्स लाइक नोट्स, असाइनमेंट्स और टेस्ट क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे उसका मटेरियल। तो ये आपके पास जब सामने रहता है तो आफ्टर स्टडी आल्सो व्हाइल रिवाइजिंग जब आपको जरूरत पड़ती है तुरंत एट अ ग्लांस आप देख लेते हो, तो आपको किसी तरीके का परेशानी यहां पर नहीं होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स था स्टूडेंट्स। क्रैश कोर्स फिर हम बता रहे हैं, क्रैश कोर्स हमारा जो क्रैश कोर्स है उसमें आप ये मान करके चलो कि आपका रेगुलर जो क्लासेज आप करते थे, जो अप्रैल से नहीं कर पाए, मई से नहीं कर पाए, वो आपको इस 3 से 4 महीने के अंदर में 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहला चीज कि ये होगा कहां या ऑफिस हमारा कहां है, तो ऑफिस है 107 सुकीर्ति कॉम्प्लेक्स, सुकीर्ति कॉम्प्लेक्स, एसपी वर्मा रोड, पटना 1। पहला चीज तो ये हमारे ऑफिस का वेन्यू हो गया ऑफिस। अब दूसरा चीज ये है कि मोड क्या होगा, ऑनलाइन। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इस चीज पर, ऑनलाइन हम स्टार्ट करेंगे और यदि सारा कुछ कंडीशन सही रहा रिलेटेड टू कोविड और अदर कंडीशंस, गवर्नमेंट परमिशन दे देती है फुल फ्लेज्ड करने के लिए, फुल फ्लेज करने के लिए आदेश देगी, तभी हम लोग इसको फिर ऑफलाइन में कन्वर्ट करेंगे, क्लासरूम के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और यदि रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहेगा कि ये 6 फीट का डिस्टेंस है या ये सारा चीज है, तो फिर वो क्लास मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा हम लोग के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन करेंगे। लेकिन फिर हमारा ऑनलाइन जो है ऑफलाइन के ही जैसा होता है, इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट डेट ऑफ स्टार्ट, डेट 5 नवंबर 2021, एंड फाइनली द टाइम ऑफ क्लास विल बी 6:30 to 8:30 PM एंड दैट विल बी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड है। अब स्टूडेंट फाइनली नाउ द सीट्स आर लिमिटेड, क्योंकि हम लोग एक ही बैच करने जा रहे हैं, उतना अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, एक बैच करने जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप ऑफिस में जाकर के बिटवीन 3 to 7:30 PM आप इस समय यहां जाकर के एडमिशन ले सकते हो। सीट लिमिटेड है फिर हम बतला रहे हैं, इसलिए इस चीज पर ध्यान देना है। दूसरा चीज, आप किसी तरीके की क्वेरीज होती है तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट व्हाट्सएप पर से कर सकते हो, फोन कॉल से कर सकते हो। ये आपका नंबर यहां पर है 4541 3 और 9308451193। मीन्स इस दोनों में किसी फोन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप डायरेक्ट कॉल करके आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, और इस तरीके से आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। एट द एंड फिर से स्टूडेंट हम आपको बतला रहे हैं, ये क्रैश कोर्स आपके हेल्प के लिए है और ये 100% कमिटमेंट है कि हम
आपको कहीं परेशानी आपका नहीं होने देंगे, हम एक एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व करेंगे। और हर साल एक एक साइंस ट्यूटोरियल का रिजल्ट जिस तरीके से आता है, इस बार भी वही रिजल्ट हम लोग देंगे और वही पैटर्न हमारा रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, और फिर से एक बार बता दें कि आप किसी तरीके की क्वेरीज हो तो इस पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।